टेस्टफुल किचन, आज हम आपके सामने एक और मिल्कशेक की रेसिपी लेके आए हैं और वो है ये अंजीर, जो फ्रेश अंजीर आता है उसका मिल्कशेक बनाने बता रही हूं मैं आपको। ये मैंने एक ऐसे काट लिया है, हमने अच्छे से इनको धो लिया है, ये साइड कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको विद स्किन ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका हल्का सा ऐसे छिलका उतार सकते हैं, इस टाइप से भी ले सकते हैं, बट मैं इसको विद स्किन ले रही हूं और इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम। ये देखिए, ये आप जब ड्राई अंजीर देखते होंगे उसमें इस टाइप के सीड्स होते हैं, ये देखिए आप इसके पीसेस हम कर लेंगे। तो ये मैंने लिए हैं दो अंजीर, साथ में एक ये वॉलनट है जिसके हम छोटे छोटे पीस करेंगे। आप चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं, मिल्कशेक में भी डाल सकते हैं, बट मैंने गार्निश करने के लिए लिया है। ये है 1 ग्लास मिल्क, ये मैंने ब्राउन शुगर ली है, वैसे मैं नहीं डालती हूँ, बट अगर आप मीठा खाते हैं तो आइदर यू ऐड दिस ब्राउन शुगर या फिर आप हनी डाल सकते हैं क्योंकि ठंडा है ये। ये देखिए, अब हम मिक्सी के जार में ये अपने कटे हुए पीसेस जो हैं इसके डाल देंगे, थोड़ा दूध डालेंगे इसके अंदर और एक हम वॉलनट भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। जब भी आप ग्राइंड कर रहे हैं तो आप ऊपर ऐसे ढक्कन पर हाथ रख लें ताकि वो उछले नहीं, ये छेद को कवर नहीं करना है, ये ऐसे ही रखें और ग्राइंड करें। थोड़ा आप रुक रुक कर मिक्सी को चलाएं ताकि वो जो पीसेस हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। अब हम थोड़ा सा खोल के आपको दिखाते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आया है, एकदम पिंक कलर इसका आया है। और ये हम थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड करेंगे और इसको फिर से चलाएंगे, रुक रुक कर चलाना है मिक्सी को। और ये आपको दिखाऊं मैं, कुछ इस टाइप का ये पेस्ट बन गया है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं है, फाइन पेस्ट हो गया है। अब हम इसमें जो बचा हुआ मिल्क है वो डाल देंगे। आप चाहें तो एक अंजीर के साथ बना सकते हैं, आप थिन पसंद करते हैं तो, और अगर आप अच्छा थिक पसंद करते हैं तो दो अंजीर यूज कर सकते हैं, साइज के ऊपर आप इसके सोच सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसको फिर से ग्राइंड करेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम इसको पोर करेंगे, देखिए कंसिस्टेंसी आप पर डिपेंड करती है, आपको कितना थिक पीना है। ये देखिए परफेक्ट, बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही बढ़िया बना है। अब हम इसको गार्निश करेंगे, एक वॉलनट हमने डाला था और एक से हम ऐसे इसको गार्निश करेंगे। आप आइस डाल सकते हैं, अभी हल्का ठंडा मौसम है इसलिए मैंने आइस इसमें नहीं डाली है। अब हम देखिए वॉलनट से गार्निश कर दिया, अब हम थोड़ा सा इसका एक स्लाइस काटेंगे और इसको लगाएंगे। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए मेरी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।